सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो एशिया कप 2022 का पूरा कंफर्म शेड्यूल और कार्यक्रम अनाउंस हो चुका है, जो कि 27 अगस्त 2022 से स्टार्ट होने वाला है, जिसका फाइनल महामुकाबला 11 सितंबर 2022 को खेला जाएगा। अब इस बार एशिया कप 2022 यूएई में खेला जाएगा T20 फॉर्मेट में, जो कि 20-20 ओवरों को खेला जाएगा, जिसमें टोटल 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं और इन सभी 6 टीमों के बीच टोटल 13 मैचेस खेले जाएंगे। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे आखिर एशिया कप 2022 के लिए क्या होने वाली है, भारतीय टीम की प्लेइंग 11, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ एशिया कप 2022 में खेलने वाली है। तो इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए बात करते हैं एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऐसा ओपनर नंबर एक पर होंगे हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा कप्तान, जिनका नाम कंफर्म है, करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। और नंबर दो पर होंगे जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल, जो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन उप कप्तान भी हैं। इंजरी के बाद ये लंबे समय के बाद एशिया कप 2022 में वापसी करेंगे। तो केएल राहुल का भी नाम कंफर्म है एज अ ओपनर। अब अगर हम बात करें नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर होंगे किंग यानी कि विराट कोहली, दारन मशीन, जिनका बल्ला लंबे समय से खामोश है, लेकिन विराट कोहली का भी नाम कंफर्म है कि एशिया कप 2022 में टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे और वन डाउन की बल्लेबाजी करेंगे। बात करें नंबर चार की, तो नंबर चार पर होंगे सूर्य कुमार यादव, जिन्हें इंडियन मिस्टर 360 कहा जाता है। चारों तरफ काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं, फिलहाल T20 के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज बन चुके हैं। बात करें नंबर पांच की, तो नंबर पांच पर होंगे ऋषभ पंत, जबरदस्त विस्फोटक विकेट कीपर बैट्समैन, इनका भी नाम कन्फर्म है। अगर हम बात करें नंबर छह की, तो नंबर छह पर होंगे हार्दिक पांड्या, जबरदस्त ऑलराउंडर, जो अपने बल्ले और गेंद दोनों से ही जबरदस्त बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बात करें नंबर सात की, तो नंबर सात पर होंगे हरफन मौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, जो तीनों ही क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हैं, बल्ले से, गेंद से और फील्डिंग में भी अपना कमाल दिखाते हैं। बात करें नंबर आठ की, तो नंबर आठ पर होंगे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार, जो काफी शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं। बात करें नंबर नौ की, तो नंबर नौ पर होंगे हर्षल पटेल, जो अपनी गेंदबाजी में काफी मिश्रण करते हैं और ये काफी सक्सेसफुल रहते हैं धीमी पिचों पर, और यूएई की सभी पिच काफी धीमी होती हैं और हर्षल पटेल भारत के बड़े हथियार साबित हो सकते हैं विकेट चटकाने में। बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर होंगे युजवेंद्र चहल, जबरदस्त स्पिनर। वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे यॉर्कर किंग यानी कि जसप्रीत बुमराह। तो ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 एशिया कप 2022 के लिए, जहां ये संभावित भारतीय टीम का प्लेइंग 11 है, प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है, लेकिन लगभग 100% कन्फर्म है कि टीम इंडिया इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ एशिया कप 2022 में खेलने वाली है। टीम इंडिया की यही प्लेइंग 11 हो सकती है। आपको बता दें कि एशिया कप 2022 के लिए एशिया कप का पूरा शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कार्यक्रम घोषित कर दिया गया, साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का भी टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखी है पूरा शेड्यूल और कार्यक्रम और पाकिस्तान टीम का स्क्वाड जो ऑफिशियल तौर पर अनाउंस हो चुका है, तो स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।